कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। आज हम लोग इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी। सपोज किया कि हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं और दोनों के रेसिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम है, और हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 4 ओम की ज़रूरत पड़ जाए, देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल, देन वी कंबाइन टुगेदर टू गेट 4 ओम रेसिस्टेंस। अगर मान लो कि हमें 1 ओम की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो क्या इसको काटेंगे? नहीं, इनको भी हम जोड़ेंगे किसी भी सर्किट में। दोनों के जोड़ने जोड़ने का तरीका अलग होगा, मेथड अलग होगा। सो वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? इफ टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, राइट? इफ टू और मोर रेसिस्टर्स कनेक्टेड एंड टू एंड इन सच अ वे दैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहां पर सपोज किया R1, R2 एंड R3, देयर आर थ्री रेसिस्टेंसेस आर इन अ गिवन सर्किट। यहाँ पर एक सोर्स है और ये स्विच है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि करंट यहाँ से जो फ्लो करती है वो यहाँ से R1 से R2 से एंड R3 से सेम करंट पास करती है, राइट? तो डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल द रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन V इज गस टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इज गस टू IR, V1 इज गस टू IR1, IR2, IR3। यहाँ पर देखो हमने R1, R2, R3 तो लिखा है बट I1, I2, I3 नहीं लिखा है। इसका रीजन ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर R I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये सीरीज में है इसलिए इसको क्या लिखा? RS, राइट? फॉर एन रेसिस्टर्स इन सीरीज RS इज इक्वल्स टू सिग्मा मतलब सम, I इज इक्वल्स टू 1 से n तक, और ये हो गया RI। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कॉम्बिनेशन, सेकेंड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? What is mean by parallel combination? अगर दो या दो से अधिक resistance सिर्फ दो points के बीच जुड़े हों then they are said to be parallel. Like this, A point है, यहाँ से
एक रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पर R2 और ये R3। हमने देखा क्या, यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट्स है A और B और इनके बीच जुड़े हैं R1, R2 एंड R3, ऑल द थ्री रेसिस्टर्स, सो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। अब पैरेलल में कांस्टेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ से करंट जो फ्लो होती है इट डिवाइडेड इनटू थ्री थ्री सर्किट आई वन आई टू एंड आई थ्री एंड आफ्टर दैट दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आई राइट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री राइट। सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, कूलम्स लॉ से आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर आई वन वी अपॉन आर वन वी अपॉन आर टू वी आर थ्री। सो वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी इज टेकन एज कॉमन वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। सो वी कैन से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री फॉर एन रेसिस्टर्स इन पैरेलल वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू सिग्मा, जैसा पहले बताया था सिग्मा क्या है, सम ऑफ द ऑल रेसिस्टर्स। सो वन अपॉन आर आई एंड आई इज इक्वल्स टू वन से एन तक। स्टूडेंट्स फॉर एनी क्वेरीज कमेंट बिलो एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।